बिना मेरा रक्षा बंधन। पानी लेकर आता हूँ। लूट लूंगी अगर इस घर में तू आ गई चकोरी, तो तेरी किस्मत और जिंदगी दोनों बदल जाएगी। काश मैं ही थारी मासा बन जाती। कुछ छोरियों की फोटो लाइए, इनमें से देख के आप फैसला कर लीजिए कि आपके बच्चों के लिए नई माँ कौन लागे है। ये लड़की के साथ आपकी जोड़ी बहुत जमेगी। जितनी खूबसूरत स्वभाव में उतनी सरल और संस्कारी। देखिए प्रसाद, क्या ये बात हो रही? क्या कर रही है? मारे बापू सब वही लाते जो मन्ने चाहिए, और मन्ने नहीं मान नहीं चाहिए। आप जाओ यहाँ से। क्यों बापू सा? आप नहीं मान नहीं लाओगे ना? मुझे जरूरत नहीं है नई मासा की। तूफानी बिल्ली सरपंच सा की बेटी? अरे मरी गई थोड़ी किस्मत पानी में चकुरी। रसाल बेटा, रसाल बट रसाल, मुझे नहीं चाहिए नहीं माँ। हमारी बात छोड़ बेटा, हमारी बात छोड़ बेटा, ऐसा नहीं करते रसाल बेटा, ऐसा नहीं करा। नहीं चाहिए मुझे नहीं माँ। हमारी बात छोड़ रसाल, कुछ ना हो रहा बेटा। क्या कर रही है? माफ कीजिएगा भाई साहब, छोटी बच्ची है, अब आप चलिए। अरे लगता है छोरी नो तस्वीर जची ना, पर मारे पास एक से एक लगी ना छोरी की फोटो है। ये देखो, गई महीने 21 वर्ष की हुई, बहुत खूबसूरत है। भाई साहब हमारे को हमारे बच्चों के लिए माँ चाहिए, अपने लिए बीवी नहीं। और वैसे भी इतनी कम उम्र की छोरी के ऊपर दो दो बच्चों की जिम्मेदारी डालकर उसकी जिंदगी बर्बाद ना करना चाहूं मैं। कोई बात नहीं, आप कोई और रिश्ता होगा तो वो लेकर आइएगा, तब बात करेंगे। राम राम। मारो छड़ी। पैसा हूँ।
एक बार इस शैतान की पुड़िया का बाप मारे मुट्ठी आ जाए ना, फिर इस छोरी ने पोटली में पत्थर मार के दरिया फेंकाऊंगी। अरे चकोरी, तारी सकल पे मोटे मोटे अक्षरों से लिखा है कि शिकार तारे हाथ नहीं लगा। इतनी भर की छोरी को तो उसका तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। यो किसका फोन आ गया? हेलो, आप अमरिंदर साहब बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। जी मैं भीम सिंह बोल रहा हूँ, फूली मारी बहन। आपने फोटो भेजी थी रिश्ते के लिए? हाँ जी हाँ जी, वो फोटो मैंने भेजी थी। तो हम चाहते थे कि एक बार आपसे मुलाकात हो जाए ताकि सामने सामने बैठकर रिश्ते की बात हो सके। जी बिल्कुल, हम कल मिल लेते हैं। इस बात की खुशी है रे, लक्ष्मी जी ने सामने से नहीं उतर भेजा है। वो गुंगी छोकरी याद है तुम्हें? खुली, उसके घर वालों को फोटो भेजी थी मैंने रिश्ते के लिए, तो उनको दूल्हा पसंद आ गया है। अमरिंदर साहब मिलने के लिए तैयार हो गए हैं और मारे को तो ऐसा लगता है कि इस बार फूली का रिश्ता पक्का हो जाएगा। भगवान करे रिश्ता पक्का हो जाए, आज कुछ मीठा हो जाए। चलिए। मैंने दिमाग खर्च करके फोटो भेजी थी अपनी चोर कहीं का। अरे चकोरी, क्या फर्क पड़ता है? मेडल चाहे थारे गले में टंगे चाहे मारे गले में, बड़ी बात यो है कि मारा शिकार फंस गया है। अब जैसे तय हुआ था कि जो जीतेगा हारने वाले को जीतने वाले की मदद करनी पड़ेगी अपनी सारी कोशिशें छोड़ के, तो अब अपने सरपंच साहब को भूल जा, अपना अगला शिकार वो गुंगी है। रसू, ए रसू। लाडो, अपने बापू से बात ना करेगी? ना, पहले बोलो कि नहीं मासा ना लाओगे। रसू, आपने एक छोरी दी है, छोरी पड़ेगी तो हजार सवाल ऐसे होंगे जो वो आपसे ना कर पावे, वो सवाल सिर्फ अपनी माँ से कर सके है। आप ना बोले हो, आप बावली लूंग रही हो। अरे मारे बेटे का चांद सा मुखड़ा बिगाड़ दिया, दांत तोड़ दिया आपकी बेटी ने। जब मारी बात मानो तो हवेली में बच्चों के लिए माँ ले आओ। आप नहीं मां नहीं लाओगे ना? मुझे जरूरत नहीं है नहीं मां की। जब मारी बात मानो तो हवेली में बच्चों के लिए माँ ले आओ। मुझे जरूरत नहीं है नहीं मां की। जब मारी बात मानो तो हवेली में बच्चों के लिए माँ ले आओ। चल बता जरा, नई माँ क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो बुरी होती है। किसने बोला? नई मासा तो बहुत अच्छी होती है, वो तुझे खूब प्यार करेगी। तू बदमाशी करती है ना, इसलिए बापू सा ने नई मासा लाने का सोचा। चल तेरी बदमाशी का कुछ तो फायदा हुआ। भाई साहब, मैं शैतानी करती हूँ इसलिए बापू सा नई मासा ला रहे? और नहीं तो क्या, उनको लगता है कि तेरी रोज रोज की बदमाशियाँ उनकी गलतियाँ हैं। अज्जू के दांत मैंने तोड़े थे, उमा को चौपाल चढ़ने की जिद मैंने की थी, तो बाबूसा की क्या गलती है इसमें? मैं अभी बाबूसा से बात करती हूँ। अरे रसू रुक, रसू, उनको लगता है कि वो तुझे संभाल ना पा रहे हैं। याद है ना उस दिन क्या हुआ था? सब लोग क्या कह रहे थे कि रसाल की माँ होती तो आज रसाल भी अच्छी बच्ची होती, इसलिए अगर नई माँ आएगी तो वो सबके मुँह बंद कर देगी क्योंकि वो तुझे अच्छी बात सिखाएगी, बिल्कुल मेरी तरह। भाई साहब, शैतानी की छोटी मोटी सजा दे दो ना, नई मासा क्यों ला रहे हो? तू सच में बहुत बड़ी जिद्दी हो गई है, कोई बात नहीं सुनती है। एक तो बापू साहब वैसे ही परेशान हो रहे हैं, ऊपर से अगर तूने और चिढ़ करके उन्हें परेशान किया ना तो मैं तुझे यही छोड़कर चला जाऊंगा।